एंजाइम्स एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए की अगर बात की जाए तो जो एंजाइम्स हैं जिनमें आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 इतना हमने डिस्कस किया। और अभी तक के जो है मैंने तुम लोगों को मतलब आप लोगों को क्या बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करेगा, आपका जो इन वीवो रेप्लिकेशन होता है उसमें हेल्प करता है। अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन में ही जो नेक्स्ट एंजाइम है अगर उसकी बात करें तो नेक्स्ट एंजाइम में नाम आता है किसका, हेलिकेज का। ठीक है, अभी हेलिकेज क्या करता है तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो आपका जो डीएनए होता है ये डीएनए है, डीएनए में आपके बेस पेयर जो है वो लगे रहते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए पहले डीएनए का टूट कर दो हिस्सों में बंटना जरूरी रहता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब डीएनए को तोड़ने में इस हेलिकेज एंजाइम का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये क्या करता है, सबसे पहले तो अनजिपिंग करने का काम करता है। अनजिप करना मतलब डीएनए को वो जो जिप्ड है डीएनए, जो पूरा डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है ये वाला, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को वो तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान कौन करता है, ये हेलिकेज एंजाइम। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ेगा कैसे, डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं डीएनए में उसे तोड़ना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तब जाके ही आपके बेस पेयर्स अलग होंगे और आपका जो स्ट्रैंड है जो जुड़ के रखा हुआ है हाइड्रोजन बंध के द्वारा वो टूटेगा, तो ये दोनों आपस में बिखर जाएंगे और इस प्रकार से हम लोगों को अलग अलग स्ट्रैंड में हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों को अलग अलग स्ट्रैंड जो है हम लोगों को मिले। अब ये जो मेन जो है मतलब हेलिकेस का जो मेन काम है वो क्या करने में है, ब्रेक करने में। किस चीज को ब्रेक करने में, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को, डीएनए डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करने का काम किसका है, आपके हेलिकेज एंजाइम का। तो डीएनए पॉलीमरेज हमने देखा जो कि मेन पॉलीमरेज मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, नया डीएनए बनाने का काम कर रहा है। हेलिकेज जो हम देख रहे हैं वो क्या बता रहा है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ये डीएनए को तोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक है, दस इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। और जैसे ही जो डीएनए है वो आपके टूटेंगे तो वो आपके बहुत सारे जो डीएनए रहेंगे वो एक साथ टूटेंगे, तो डीएनए के टूटने से जो अलग से स्ट्रैंड बन जाता है उसे हम कहते हैं आपका रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, और ये जो हमारे नए जो डीएनए बने जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड है इसे हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, टेम्पलेट डीएनए। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका हेलिकेज जो है किस चीज में हेल्प करता है, आपका डीएनए को तोड़ने के लिए, जो कि जिसका में जिसमें उसका कैसे तोड़ेगा, जिससे वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो जुड़ा है उसकी उसको तोड़कर वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को तोड़ने का काम करता है, ये आपका हेलिकेज एंजाइम का काम है। अब हम नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं, नेक्स्ट जो एंजाइम है आपका उसका नाम है लाइगेज एंजाइम। ये जो लाइगेज एंजाइम होता है ये क्या करता है हम इसको देखते हैं। लाइगेज इज द एंजाइम विच ग्लूज द डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड्स। अब हेलिकेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, आपके डीएनए को तोड़ने का काम कर रहा है। पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, नया डीएनए बनाने का काम कर रहा है। अब ये जो लाइगेज एंजाइम है ये एक तरीके का ग्लू के जैसे काम करेगा, मतलब एक तरीके का फेविकोल जो है उसके जैसे काम कर रहा है, ये फेविकोल के जैसे काम करेगा। तो फेविकोल का काम क्या है, जोड़ने का। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, दैट मींस जब आपका जो डीएनए है उस वो जब अलग होकर अलग अलग स्ट्रैंड्स में तब्दील हो जाता है और जो आपका डीएनए के पॉलीमरेज जो एंजाइम है छोटे छोटे प्राइमर को जोड़कर उसे आगे बढ़ाकर जो है नया डीएनए का स्ट्रैंड जो है बनाते रहते हैं, तब जो ये लाइगेज एंजाइम है उस टाइम इसका मेन काम होता है। ये जो लाइगेज एंजाइम रहता है ये क्या करेगा, आपका डीएनए जो है उसको जो नया डीएनए बन रहा है उसको ग्लू करने का मतलब चिपकाने का जोड़ने का काम जो है ये कर रहा ये करता है कौन, आपका लाइगेज एंजाइम।
विच ग्लूज द डिसकंटिन्यूअस डीएनए सेट। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो आपके जो डीएनए है, जो टूटे टूटे वाले आपके प्राइमर जो अलग अलग एक साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और वो एक दूसरे से जुड़े रहें, बंध बना कर रहें, इस वजह से लाइगेज जो है उनको क्या कर रहा है, जोड़ कर रखने का काम करता है आपका जो लाइगेज एंजाइम है। ठीक है, तो ये था आपका लाइगेज एंजाइम का वर्क। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा एंजाइम, आपका प्राइमेज एंजाइम, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। प्राइमेज एंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमेज एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम जो है आरएनए के प्राइमर बनाता है। एक बार अगर हम इसको फिर से डिस्कस करें तो जो प्राइमेज एंजाइम है ये क्या करता है, आरएनए के प्राइमर बनाता है, और यही आरएनए यही जो है आगे जाके प्राइमर जो है, छोटे छोटे प्राइमर जो है जुड़ते हैं आपके डीएनए में, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर से जो उस जिसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जुड़ते हैं। जैसे मतलब अगर ये आपका डीएनए है जो अलग हुआ था और ये अलग एक डीएनए, मतलब ये टेम्पलेट डीएनए, अब यहाँ पर एक छोटा सा प्राइमर जुड़ा, अब इसी को ही पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसी को ही आगे बढ़ाते जाएंगे और यूज करते जाएंगे आपका नया डीएनए को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मेन जो प्राइमेज एंजाइम है उसका क्या काम है, आरएनए के प्राइमर को बनाना, जिसे हम आगे जाके इस प्राइमर को किस में यूज कर सके, नए डीएनए को बनाने में यूज कर सके। ठीक है, तो ये आपका था प्राइमेज एंजाइम। अब जो है नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट एंजाइम है आपका एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दीज प्रोड्यूस अ सिंगल स्ट्रैंडेड और अ डबल स्ट्रैंडेड कट इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये क्या करता है, आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसमें कट लगाने का काम करता है। मतलब ये जो डीएनए है, ये जब आपका डीएनए टूटता है तो इनमें कट लगाकर इन्हें तोड़ने का काम, जैसे एक तो है वो ब्रेक कर रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड को, कौन ब्रेक कर रहा था, आपका हेलिकेज एंजाइम। लेकिन हेलिकेज एंजाइम जब जब आपका डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड को जब वो तोड़ता है तो ये आपस में अलग होने के लिए इनमें कट लगना जरूरी है, और ये जो कट है एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, और ये कट लगाने का काम कौन करता है, ये हेलिकेज एंजाइम, ये डीएनए के मॉलिक्यूल में कट लगाने का काम करते हैं जिससे डीएनए जो है अच्छे से अलग हो सके। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ एंजाइम्स जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से एंजाइम देखे, हेलिकेज डीएनए पॉलीमरेज जो सबसे पहले देखा, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जो है हमने कौन कौन से देखे, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। ठीक है, एक बार अगर मैं लिखूं सब चीजों को अच्छे से, तो सबसे पहला जो एंजाइम था वो था हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 था, 2 एंड 3। फिर उसके बाद सेकेंड एंजाइम क्या आया हमारा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम के बाद जो है हमारा प्राइमेज आया, जो प्राइमर बनाता था। फोर्थ नंबर पे आपका लाइगेज, जो जोड़ने का काम करता है। फिफ्थ नंबर पे लाइगेज के बाद आया आपका एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो ये कुछ एंजाइम्स थे जो आपके किस में इन्वॉल्व रहते हैं, आपके डीएनए के रेप्लिकेशन में, एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हुआ आपका डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व जो एंजाइम्स थे उनके नाम। अब जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं, कुछ प्रोटीन जो है वो भी काम करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में, जो क्या करते हैं, इट बाइंड्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉर्मिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब आपका जो डीएनए है ये जब अलग होता है और अलग अलग एक सिंगल सिंगल स्ट्रैंड जब ऐसे बन जाते हैं, तब एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आपका जो डीएनए टूट कर टेम्पलेट डीएनए बन जाता है, मतलब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए जब बन जाता है,
उस स्थिति में क्या होता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये इनसे जाकर जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? ताकि आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर मत बना ले, क्योंकि आपस में तो वो जब सिंगल हो जाते हैं तो उन लोग को भी तो कुछ क्रिया करना चाहते हैं ना, कि वो कुछ क्रिया ना करें, मतलब अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर द्वितीयक संरचना अपना निर्मित ना करें, इसके लिए इस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का जुड़ना जरूरी होता है। तो ये उनके क्रिया करने को रोक कर रखता है कि वो ताकि वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्रिया ना बना सक ना बनाए। ठीक है, तो ये इतने कुछ एंजाइम्स थे और ये एक प्रोटीन बताया मैंने जो आपके किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आपके डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा एक लास्ट चीज जो इसमें बच गया है वो है इसका ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं कल की क्लास में बताऊंगी और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड उनको भी हम कल डिस्कस करेंगे, एज पर अभी आप लोगों की क्लास की टाइमिंग हो गई है और मेरी दूसरी क्लास भी है। ठीक है, तो यहीं पर खत्म करते हैं क्लास। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा आप लोगों को।